पास्ट टेंस की प्रैक्टिस हम बहुत अच्छे से डिटेल वीडियो में कर चुके हैं लेकिन आज हम पास्ट टेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस सेट ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वर्कशीट है तो आपने इसके चारों टाइप्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो सबसे पहले हम कर रहे हैं पास्ट इनडेफिनेट जो कि इसकी फर्स्ट टाइप है पास्ट इनडेफिनेट का रूल क्या है आप सबको अच्छे से याद होगा पास्ट इन का एक सिंपल सा रूल है यहाँ पर लग जाएगी सेकेंड फॉर्म तो रूल हमें अच्छे से याद हो गया हमने हर जगह अप्लाई करना है थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है कम केम कम तो यहाँ पर आएगी सेकेंड वर्ब की फॉर्म चेन केम टू माई हाउस लास्ट वीक क्वेश्चन नंबर टू आई डैश टू कॉलेज टेन ईयर्स अगो पास्ट टेंस है सिंपल पास वर्ब की फॉर्म है गो क्या है वर्ब की तीन फॉर्म्स गो वेंट गॉन यहाँ पर आ जाएगा आई वेंट टू कॉलेज हर जगह हम वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं ही डैश लॉन्च टू आवर्स अ वर्ब की फॉर्म है ईट ईट एट ईटन तो यहाँ पर आ जाएगा एट ई एट लॉन्च टू आवर्स अ गो क्वेश्चन नंबर फोर आई डैश वेल लास्ट नाइट वर्ब की फॉर्म है स्लीप स्लीप स्टेप आई स्लेप्ट वेल लास्ट नाइट क्वेश्चन नंबर फाइव आई डैश इन जर्मनी फॉर फाइव इयर्स वर्ब की फॉर्म है लिव सेकेंड फॉर्म क्या आएगी यहाँ पर लिव्ड ईडी लग जाएगा आई लिव इन जर्मनी फॉर फाइव ईयर्स तो अभी हम सिंपल पास्ट ही कर रहे हैं आपके सामने फिर से ये लास्ट के फाइव क्वेश्चन हैं। आपने इन सभी वर्ब की फॉर्म्स की सेकेंड फॉर्म अप्लाई करनी है यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इनकी सेकेंड फॉर्म अप्लाई करिए क्वेश्चन नंबर सिक्स द टीचर टीच टीच की सेकेंड फॉर्म क्या आएगी टॉट द टीचर टॉट द लेसन वेल क्वेश्चन नंबर सेवन दे डू इसकी सेकेंड फॉर्म क्या आएगी दे डेड

हिल स्टेशन to to तो यहाँ पर हमारा सिंपल पास खत्म हो गया है नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से पास्ट कंटिन्यूस टेंस अब पास्ट कंटिन्यूस का फॉर्मूला सबको याद होगा जैसे ही किसी भी टेंस में कंटिन्यूस आ जाता है वहां पर हम लगा देते हैं वर्ब की फॉर्म के साथ आई एन जी और पास्ट है तो पास्ट के साथ लगता है वॉज या वर और वॉज और वर हम किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर है द किड्स डैश कार्टून इन टीवी किड्स प्लूरल बहुत सारे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा वर द किड्स वर और वर्ब की फॉर्म है वॉच इसके साथ आई एन जी लग जाएगा द किड्स वर वॉचिंग कार्टून्स इन टी वी क्वेश्चन नंबर टू जेनी डैश फॉर हर फ्रेंड शेन वेट जेनी सिंगुलर है सो जेनी वॉज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड चेन तो यहाँ पे आपको पता चल गया किड्स के अकॉर्डिंग वर आया है और सिंगल पर्सन है उसके अकॉर्डिंग वॉज आया है एन ओल्ड मैन डैश ऑन द बेंच इन पार्क एन ओल्ड मैन कितने पर्सन है एक ही पर्सन की बात हो रही है तो यहाँ पर आ जाएगा वॉज एन ओल्ड मैन वॉज सिट सिट की वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएगी सिटिंग एन ओल्ड मैन वॉज सिटिंग ऑन द बेंच क्वेश्चन नंबर फोर द मजिशियन कितने पर्सन है एक ही है द मेजिशियन वॉज showing tricks to children question number 5 they dash across the river they काफी सारे लोग हैं. they were swim के साथ क्या आ जाएगा? swimming they were swimming across the river नेक्स्ट फाइव क्वेश्चंस आपके लिए हैं आपने यहाँ वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है और नाउन्स और प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉज वर लगाना है तो जल्दी से इन सबको अटेम्प्ट करिए यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं यहाँ पर आप आंसर चेक कर लो क्वेश्चन नंबर सिक्स द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं द स्टूडेंट्स वर लिसनिंग द स्टूडेंट्स वर लिसनिंग टू द टीचर क्वेश्चन नंबर सेवन द वुमेन एक ही वुमेन है द वुमेन वॉज कुकिंग फूड फॉर हर चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर एट द चाइल्ड एक ही बच्चे की बात हो रही है द चाइल्ड वॉज नॉट रीडिंग अ स्टोरी बुक क्वेश्चन नंबर नाइन द पोस्टमैन द पोस्टमैन वॉस डिलीवरिंग द लेटर्स डिलीवर के साथ लग गया यहाँ पर आई एन जी हु डैश एट द डोर किसी एक पर्सन की बात हो रही है हु वॉस नॉकिंग एट द डोर दरवाजे पर कौन खटखट आ रहा था तो यहाँ पर हमारा पास कंटिन्यूस खत्म हो चुका है आगे हम चलते हैं पास परफेक्ट की तरफ पास परफेक्ट का क्या रूल है तो पास परफेक्ट का रूल है हेड Plus verb की थर्ड फॉर्म कोई भी सेंटेंस है हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके आगे आ जाएगा तो पर आ जाएगा everyone had finish का बन जाएगा फिनिश्ड फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड क्लास वर्क जेक डैश ऑल दीज बिफोर आई ओपन द फ्रिज Jake had eat ki third form eaten. Had eaten all the pastries. Question number three. Raina went to bed after she had watched ki third form watched her favorite cartoon. Question number four. Before they arrived at the airport, they had pay ki third form paid. They had paid the taxi driver. His cat had die ki third form died. Died a month ago. He was very sad. Now, these are last five questions of past perfect. Pause the video and solve them yourself. Check the answers. He had, verb ki third form kya hai draw ki? Drawn. He had drawn a beautiful picture of his mother. Question number seven. The match had finished ki third form? Finished. The match had finished when I reached the playground. क्वेश्चन नंबर एट आई डैश नॉट डैश प्लांट दीज ट्रीज आई हैड नॉट प्लांट भी एक वर्ब है प्लांट की थर्ड फॉर्म प्लांटेड आई हैड नॉट प्लांटेड दीज ट्रीज क्वेश्चन नंबर नाइन यू हैड स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड यू हैड स्टडीड इंग्लिश बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड वी डैश ईट डिनर बिफोर वी वेंट टू मूवी वी Had eat की third form eaten. We had eaten dinner before we went to a movie. तो so, यहाँ पे हमारा past perfect खत्म हो चुका है. हमारा last type यहाँ पर है आज का past perfect continuous tense. कोई भी काम जो लंबे time से चला आ रहा था. तो so, past perfect continuous tense का formula क्या है? Had plus been plus verb की form के साथ लग जाता है ing. पहला sentence करके देखते हैं. Jane dash cake when I arrived. Jane ड had बीन been, had been सभी में आएगा और जो भी वर्ब की फॉर्म है उसके साथ आई एन जी जेन हैड बीन बेकिंग बाकी सारे आप साथ प्रैक्टिस करिए द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क फॉर मैनी आवर्स रायना हैड नॉट बीन अटेंडिंग क्लासेस फॉर वन मंथ दे

He had been learning English for five years. Question number nine. The boy had been delivering the newspapers for months. Last question. Poor people had been selling vegetables since 2004. तो यहाँ तक हमने पूरा पास टेंस अच्छे से कर लिया है हमने यहाँ पर टोटल फोर्टी सेंटेंसेस प्रैक्टिस किए हैं सो so प्लीज पोस्ट योर मार्क्स आपका स्कोर क्या रहा और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भेज सकते हो तो थैंक यू फॉर वाचिंग पास्ट टेंस को अगर आपको डिटेल में किया है तो वो वीडियो भी हमने तैयार की हुई है और हमने एक टेबल के साथ भी इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है सो so जो भी यहाँ पर न्यू व्यूअर्स हैं उनको प्रैक्टिस ज़रूर करें और हमारे चैनल बुक्स एंड ब्रेन को सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग सी यू सून